आज के सूर्य में हम डिस्कस करने वाले पेटीएम और एचडीएफसी बैंक द्वारा इशू किया जाने वाला क्रेडिट कार्ड के बारे में जानेंगे, जो व्हाइट कलर का क्रेडिट कार्ड आता है। तो दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को थोड़ी सी गलतफहमी या थोड़ी जानकारी नहीं है, तो आज हम जानने वाले हैं कि इसमें आप लोगों को क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रेंटल रहता है मंथली, यहाँ पे ईयरली चार्जेस है, मंथली चार्जेस तो कैसे है, क्या है इसमें, फ्री में कैसे करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, साइड में आप लोगों का हमारा टेलीग्राम का चैनल दिखाई दे रहा है, उसको भी ज्वाइन करना है। इससे ज्वाइन करते हो तो आपको हमारे चैनल से रिलेटेड या कोई भी अपडेट्स, कोई भी कैशबैक ऑफर आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जाती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आप लोगों को महीने का 1000 रुपए से ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार ज्वाइन कर लो, एक महीने में आपको 1000 रुपए तक का बेनिफिट नहीं होगा तो आप लोग उसको छोड़ देना, ओके। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले पेटीएम और एचडीएफसी बैंक द्वारा इश्यू किया जाने वाला क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो इसके बारे में सारे डिटेल्स में जानने के लिए आपको इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना है विदाउट स्किप की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं विनोद द डिजिटल इन्फ्लुएंसर। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम डिस्कस करने वाले एचडीएफसी बैंक और पेटीएम द्वारा इश्यू किया जाने वाला क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड के फैसिलिटीज, इसका बेनिफिट, इसका आप लोगों को क्या लाभ होगा, इसमें आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा सा आप जान लेते। तो दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड आप लोगों को पेटीएम एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन का मौका देता है, यानी अप्लाई करने का यहाँ पे आप लोगों को मौका देता है। और उसी के साथ साथ इसको इशू किया गया है एचडीएफसी बैंक द्वारा, यानी पेटीएम और एचडीएफसी बैंक दोनों के टाइप के साथ ये कार्ड बना हुआ है, ओके। तो दोस्तों, इस कार्ड के आप लोगों को मैं जो खासियत बता दूं, साइट में आप लोगों को सारे डिटेल्स दिखा है। तो इसके जो है अनलिमिटेड कैशबैक एवरी टाइम, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को हर एक स्पेंडिंग के ऊपर कैशबैक मिलने वाला है, यानी इसको कुल मिला के हम बात करें तो एक कैशबैक कार्ड हम इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, यहाँ पे आप लोगों को पेटीएम मॉल मूवी एंड ट्रेवल्स, ओके, इसके ऊपर आप लोगों को 3% का कैशबैक मिलेगा, ओके। यदि आप लोग 3000 रुपए का स्पेंडिंग कर रहे हो कहीं पे, तो आप लोगों को यहाँ पे 30 रुपए का कैशबैक मिलेगा, ओके। यानी पेटीएम मॉल मूवी और ट्रैवल, ये तीन चीजों के ऊपर 3% कैशबैक है। उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे जो दूसरा है वो है 2% कैशबैक, ओके। तो दोस्तों, ये 2% का जो कैशबैक है, ये आप लोगों को पेटीएम एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग जो भी एक्सपेंसेस करते हो, जो भी स्पेंडिंग करते हो, उसके ऊपर आपको 2% का कैशबैक, यानी आप लोग पेटीएम एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, वहां पे बिल पे कर रहे हो, या कुछ भी जो यहाँ पे आप लोग एक्टिविटी कर रहे हो, उसके ऊपर आपको 2% मिलेगा। आपको जो मर्चेंट क्यूआर कोड पे स्कैन करके उस पर नहीं मिलेगा, ओके। तो जो भी आप यहाँ पे एक्सपेंस कर रहे हो, जैसे बिल पेमेंट कर रहे हो आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, जो भी यूटिलिटी यहाँ पे आप लोग कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कर रहे हो, उसके ऊपर भी मिल सकता है, ओके। तो यहाँ पे ये आप लोगों को इतना इसमें ये, और उसी के साथ साथ जो आप लोगों का तीसरा है वो 1% कैशबैक ऑन ऑल स्पेंडिंग, ओके। यानी सारे पेंडिंग के ऊपर जैसा भी आप सारा खर्चा है, आप कहीं पे भी, फिर मॉल पे करो, पेट्रोल पंप पे करो, कहीं पे भी करते हो, तो उसके ऊपर आपको 1% कैशबैक मिलता है, यानी ऑल स्पेंडिंग के ऊपर। अभी इसका जो जानने की जो एक्साइटिंग ऑफर आया स्मार्ट बाय, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मेक माई ट्रिप एंड मोर, ऐसे बहुत सारे ब्रांड के ऊपर आप लोगों को और बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, जहां पे आप लोग इलेक्ट्रिकल्स या कोई भी अप्लायंसेस खरीदते हो तो उसके ऊपर आपको ये मिल जाता है, ओके। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म रहते हैं उसके ऊपर भी आपको 75,000 रुपए का जो ऑफर है, यहाँ पे आपको पेटीएम फर्स्ट के साथ ये देखने को मिल जाता है। यदि आप लोग पेटीएम फर्स्ट का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे 75,000 का आप लोगों को बेनिफिट मिलता है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म रहते हैं, बहुत सारे ऐसे रहते हैं। तो इसके बारे में मैं अनदर वीडियो बनाऊंगा, जहां पे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग पेटीएम फर्स्ट का मेंबरशिप ले सकते हो, वो भी मिनिमम चार्जेस के अंदर, जिसका चार्जेस 1000 रुपीज है, उसको हम मिनिमम चार्जेस में करके दिखाने वाले, उसके वीडियो अलग आने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कैशबैक एवरी मंथ, ओके, स्पेंड 10,000 एवरी मंथ एंड अर्न 1% कैशबैक अप टू 1,000, ओके। यानी आप हर महीने 1,000 रुपए तक का ही कैशबैक कमा सकते हो, यानी इसके लिए आपको 1,00,000 रुपए स्पेंड करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको 1% के हिसाब से 1,000 रुपए कैशबैक मिलता है। यदि आप 10,000 रुपए स्पेंड करो तो आपको 100 रुपए मिलेगा। तो आप लोगों को, यदि आप लोग 2,00,000 रुपए स्पेंड करते हो तो आपको 1,000 ही मिलेगा, आप 10,00,000 भी स्पेंड करते हो, यानी आप लोगों को यहाँ पे जो कैशबैक है वो 1,000 रुपीज तक की है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अभी इसका जो कंफ्यूजन, जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहे थे, वो है यहाँ पे 0 रिन्यूअल फीस, ओके। तो यहाँ पे मंथली रिन्यूअल फीस है, इसके ऊपर आपको 49 रुपीज है, लेकिन इसपे आप लोगों को जो इसके ऊपर जो आपको डिस्काउंट यानी व्यू ऑफ मिलेगा, वो आप यदि यहाँ पे मंथली 5,000 से ज्यादा स्पेंडिंग करते हो तो वो 49 रुपीज आपका
वर्क हो जाएगा वो आपको फ्री में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हो गया। जो मंथली रेंटल है इस कार्ड का वो आप लोगों को फ्री के बराबर ही है, क्योंकि इसमें आप लोगों को पता है क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप 5000 से ज्यादा तो स्पेंडिंग कर ही लेते हो। यहाँ पे जो आखिरी दूसरा वाला है, यहाँ पे आप लोगों को पेट्रोल पंप के ऊपर भी आपको पर मंथ यानी पर बिलिंग साइकिल आपको 250 रुपए का बेनिफिट होने वाला है, जो बहुत ही बड़ी चीज है। दोस्तों आप लोग यदि यहाँ पे अच्छे खासे स्पेंडिंग कर रहे हो तो आपका पेट्रोल के ऊपर भी जो ये है वो मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एडऑन कार्ड, यहाँ पे आप लोगों को 4 कार्ड मिल सकते हैं आपके फैमिली मेंबर के लिए। अब सेम क्रेडिट लिमिट पे आपको एडऑन कार्ड मिलेगा। तो दोस्तों बस इतना ही था इसके बारे में, यानी ये कार्ड आप लोगों को 0 एनुअल फी विद 0 ज्वाइनिंग फी के साथ मिलने वाला है। यदि आप लोग इसको अप्लाई करने की सोच रहे हो तो पेटीएम एप्लीकेशन को आप जैसे ऊपर करके ऊपर से थोड़ा स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करते आपको इसका ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में मैं एक और नया वीडियो लेके, तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे।